हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है ए मेमोरी, बी डाटा, सी आउटपुट, डी इनपुट। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण आउटपुट है। चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल्स द्वारा। दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट, डी सभी। दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी प्रोसेस। प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहते हैं। चलते हैं दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न की ओर। सीपीयू का मुख्य घटक है ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ये सभी। दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी ये सभी। सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। चलते हैं दोस्तों पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की क्षमता है ए निम्न, बी उच्च, सी सीमित, डी असीमित। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी सीमित। कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। चलते हैं दोस्तों छठे नंबर प्रश्न की ओर। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध, डी अन्य। दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी कृत्रिम। कंप्यूटर को कृत्रिम की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। चलते हैं दोस्तों सातवें नंबर प्रश्न की ओर। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। चलते हैं दोस्तों आठवें नंबर प्रश्न की ओर। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है ए कंप्यूटर, बी मानव मन, सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी मानव मन। मानव मन तथा कंप्यूटर में मानव मन की गति सबसे अधिक है। चलते हैं दोस्तों नौवें नंबर प्रश्न की ओर। ईडीपी क्या है ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलते हैं दोस्तों दसवें नंबर प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को, डी ये सभी। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों ग्यारहवें नंबर प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है ए चीन को, बी संख्याओं को, सी दी गई सूचनाओं को, डी चीन व संख्यात्मक सूचना को। दोस्तों, इसका उत्तर वो डी चीन व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में डेटा चीन व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों बारहवें नंबर प्रश्न की ओर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है
ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी सीपीयू, डी इनपुट आउटपुट यूनिट। दोस्तों इसका उत्तर होगा सी सीपीयू। चलते हैं दोस्तों 13वें नंबर प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ए एल्गोरिथम, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी कैलकुलेशंस। दोस्तों इसका उत्तर होगा बी इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। चलते हैं दोस्तों 14वें नंबर प्रश्न। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ए गणना कार्य करना, बी डेटा का संग्रह, सी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। दोस्तों इसका उत्तर होगा डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। चलते हैं दोस्तों 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। एटीएम क्या होता है? ए बिना स्टाफ के नकदी देने, बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, सी बैंकों की शाखा है, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर होगा ए बिना स्टाफ के नकदी देने।